और चलिए बड़ी खबर जो इस वक्त की मिल रही है वो आपको बताना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है रिया चक्रवर्ती के घर। अहम खबर इस वक्त की, रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची है सीबीआई की टीम, और रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच करके सीबीआई की टीम जरूर यहां पर समन देगी। अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती के ऊपर शिकंजा कसना अब और ज्यादा शुरू हो चुका है। रिया चक्रवर्ती के घर पर सीबीआई की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। लगातार हम आपको यही बता रहे थे कि रिया चक्रवर्ती अपने घर के अंदर मौजूद है, हालांकि हलचल होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती और उनके पिता घर के अंदर मौजूद थे। लगातार ये बात आप तक हम पहुंचा रहे थे। और इस वक्त डीआरडीओ के इसी ऑफिस में मौजूद थे। अंकुर, जब आप सुबह उस वक्त जो तीन गाड़ियां निकली उसके बाद एक और काफिला सीबीआई का निकला, क्या ये गाड़ी उनमें से है, क्या अगर आप पहचान पा रहे हो? देखिए, यहाँ से जो गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो लगातार हो रहा है। सीबीआई पहले दिन से ही कई अलग अलग टीमें बनाकर इस वक्त अपनी पूछताछ का जो काम है वो कर रही है, लेकिन इस चीज़ को कंफर्म किया जाना अभी बाकी है कि सीबीआई की जो टीम है वो जो रिया है उसके घर पे पहुंची है या नहीं पहुंची, इस चीज़ को अभी कन्फर्म किया जाना बाकी है। लेकिन शौविक जो है वो जरूर थोड़ी देर पहले इसी डीआरडीओ के जो हो सकता है उनके पास इस मामले में और अपडेट हो। राकेश, सीबीआई की टीम रिया के घर पहुंची है, सबसे पहले तस्वीर जी न्यूज पर दर्शकों को हमने दिखाई। ये कौन है? नीरज और राकेश को आवाज नहीं उठा रही। अंकुर, मैं आपके पास आ रही हूँ, कोई अपडेट है क्या अंकुर? पता लगा दो आदमी है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही जो नीरज है, नीरज की गाड़ी एक आई है और उसी को लेकर पूरा मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर। जो पूरी पूरी जो चीजें हैं वो इस वक्त बहुत तेजी के साथ घटनाक्रम बदल रहा है यहाँ पर। हलचल जो है वो यहाँ पर बढ़ रही है। और जो केशव है, केशव जो कुक है, उसको लेकर अभी थोड़ी देर पहले जो टीम है डीआरडी को इसी दफ्तर में आई है। तो ये तस्वीरें आप जो जी न्यूज पर देख रहे हैं, अंकुर हमारे सहयोगी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर हैं और वो वहां से अपडेट दे रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं जो आप जी न्यूज। चलिए, तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब रुख कर लेते हैं सुमित का, जो कि इस वक्त जुड़े हैं मेरे साथ। सुमित, क्या अपडेट है अभी आपके पास? सुमित, मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो बताइए अभी फिलहाल क्या अपडेट है, कितने अफसर पहुंचे हैं रिया चक्रवर्ती के घर? हाँ भाई, हाँ। चलिए, दोबारा हम रुख करेंगे सुमित का, लेकिन ये तस्वीरें आप फिलहाल देख लीजिए। राकेश, पहुंच गई है कि सीबीआई की टीम रिया के घर? जो जानकारी हमें मिल रही है पयोधी, जो जानकारी हमें मिल रही है अभी वो ये है कि सीबीआई का कोई एक अधिकारी जो वहां पर शायद पहुंचा हो सकता है, जिसने समन की जो कॉपी है वो वहां इशू करने के लिए गए हैं और इस समन में जो डेट लिखी होगी उस डेट पर पूछताछ होगी। लेकिन हालांकि अभी तक जो है इसके लिए आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, ये सोर्सेस के थ्रू अभी तक हमें जानकारी मिल रही है। इसके लिए चूंकि जी न्यूज विश्वास करता है प्रामाणिकता पर, प्रामाणिक खबरों पर, ऐसे में आधिकारिक तौर पर हमें जो है इसके ऊपर कन्फर्मेशन मिलना बाकी है। पयोधी, राकेश, अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई अधिकारी गया है रिया के घर, तो वो समन के लिए गया है, यानी चलिए, तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और कहा यही जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती तक समन अब पहुंच चुका है। मेरे सहयोगी सुमित जुड़े हैं, तो उनका रुख कर लेते हैं। सुमित, क्या जानकारी? देखिए, मैं इस वक्त रिया के घर पर मौजूद हूं। अभी तक सीबीआई का कोई भी अधिकारी यहां नहीं पहुंचा है, क्योंकि अभी अब से थोड़ी देर पहले एक मुंबई पुलिस का एक कांस्टेबल यहां पहुंचा था, लेकिन वो गेट के अंदर दाखिल नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, अब से करीब आधे घंटे पहले शौविक चक्रवर्ती अपने इनोवा गाड़ी से आता है ड्राइवर के साथ, और ये अपार्टमेंट है रिया चक्रवर्ती का, इसके चारों ओर अपनी गाड़ी को घुमाता है और फिर वापस निकल जाता है, यहाँ रुकता भी नहीं है शौविक चक्रवर्ती। तो निश्चित तौर पर अब से थोड़ी देर पहले, यानी कि करीब एक घंटे पहले, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ भी हुई है। उसके बाद शौविक चक्रवर्ती यहाँ रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंचा था और पूरे सोसाइटी का चक्कर काटते हुए वापस निकल गया। यानी कि अभी सीबीआई के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, किसी भी तरह का समन अब तक जारी नहीं हुआ है। हालांकि ईडी ने इस पूरे केस में समन जारी किया है रिया के पिता को, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आने के लिए कहा है और साथ ही बैंक के लॉकर की चाबी। ठीक है, तो सुमित आप ये बता रहे हैं कि लेकिन रिया चक्रवर्ती के घर सीबीआई की टीम अभी नहीं पहुंची है, कुछ हलचल होते हुए आप बाहर क्या देख पा रहे हैं रिया के घर के?
जी बिल्कुल, देखिए काफी गहमा गहमी है, मीडिया का जमावड़ा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले मुंबई पुलिस का एक कांस्टेबल पहुंचा था, लेकिन वो गेट पर जाते ही फिर वापस वो लौट गया। यानी कि अब तक ना ही कोई मुंबई पुलिस से और ना ही कोई सीबीआई ऑफिसर से यहाँ कोई अब तक नहीं पहुंचा है, और सम्मन भी सुमित वहां पर पहुंचना और वहां से लौट जाना, अंदर नहीं जाना, दरवाजे से लौट जाना, क्या समझा जाए इसे? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ सीबीआई के ऑफिसर्स नहीं पहुंचे थे, क्योंकि सोभित चक्रवर्ती अब से करीब एक से डेढ़ घंटे पहले डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा था और वहां से फिर इनोवा गाड़ी से वो वापस लौटा था यहाँ, और इस सोसाइटी के चक्कर काटते हुए फिर वापस लौट गया। ये बात जो है समझ में नहीं आई कि आखिरकार सोभित चक्रवर्ती यहाँ आया था तो फिर किस लिए आया था, लेकिन आया था लेकिन रुका नहीं, यहाँ वापस तुरंत लौट गया। तो फिलहाल अभी सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं यहाँ नहीं पहुंचे हैं, ये पुष्ट खबर जो है मैं आपको रिया चक्रवर्ती के घर से दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यही रिया चक्रवर्ती का घर है, प्राइम रोज अपार्टमेंट ये है, और यहाँ के पहली मंजिल पर रिया चक्रवर्ती रहती हैं। और अब से थोड़ी देर पहले सोभित चक्रवर्ती अपनी गाड़ी से यहाँ पहुंचा था ड्राइवर के साथ, और यहाँ रुकता नहीं है और तुरंत फिर वापस बेरंग लौट जाता है। तो निश्चित तौर पर अब तक जो है पुष्ट जो जानकारी मिल रही है, सीबीआई के ऑफिसर्स यहाँ नहीं पहुंचे हैं, और अगर सीबीआई के ऑफिसर्स नहीं पहुंचे हैं तो सम्मन भी फिलहाल जारी नहीं हुआ। सुमित मुझे आप ये बताइए, तो जो काली गाड़ी की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या वो शौविक की थी, उसी में शौविक बैठ करके पहुंचा था? जी बिल्कुल, देखिए काले रंग की इनोवा गाड़ी थी जिसमें सोभित का ड्राइवर था, और सफेद शर्ट जो है वो सोभित चक्रवर्ती ने पहन रखा था। अब से डेढ़ घंटे पहले करीब सोभित चक्रवर्ती जो है वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा था, वहां सीबीआई ने सोभित चक्रवर्ती से पूछताछ भी की थी, और सोभित चक्रवर्ती जो है पूछताछ के बाद वो वापस इसी अपार्टमेंट में आता है, जुहू का ये प्राइम रोज अपार्टमेंट है जहां रिया चक्रवर्ती रहती है, यहां वो आता है लेकिन इसकी गाड़ी पूरे अपार्टमेंट के चक्कर लगाती है और तुरंत वापस लौट जाती है। इसका मतलब जो है साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार सोभित चक्रवर्ती यहां क्यों आया था, किस लिए आया था, ये साफ नहीं है। तो निश्चित तौर पर सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं अब तक, अभी सुमित यहां से निकल करके शौविक किधर गया होगा, क्या दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ईडी की तरफ से क्या कोई पूछताछ होगी, कोई इनपुट इस बारे में आपको मिल पा रहा है? देखिए संभवतः जो सोभित चक्रवर्ती है वो वापस डीआरडीओ गेस्ट हाउस ही गया होगा, क्योंकि लगातार सीबीआई जो है दूसरे दफे सोभित चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है, तो मुमकिन है कि सोभित चक्रवर्ती वापस सीबीआई का जो टेम्पररी गेस्ट हाउस है, जो जहां सीबीआई पूछताछ कर रही है वहां वो पहुंचा होगा। अब से थोड़ी देर पहले यहां मुंबई पुलिस के कांस्टेबल भी पहुंचे थे, लेकिन वो घर के अंदर दाखिल नहीं हुए, वो वापस गेट से ही लौट गए। तो संभवतः सुमित ये बता रहे हैं कि शौविक वापस डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा होगा जहां पर सीबीआई की टीम है, और वहां जी की भी दूसरी टीम है, तो जैसे ही शौविक वहां पर पहुंचता है जी मीडिया वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएगा। सुमित अभी फिलहाल आप मुझे ये बताएं कि शौविक से पूछताछ हुई, वो यहां पर आया और गाड़ी उसकी पूरी घूमी, उसके बाद वापस चली गई, ये आपने बताया। दूसरी बात ये कि रिया चक्रवर्ती के पिता को भी बुलाया गया पूछताछ के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, ये आपने बताया। जी बिल्कुल, देखिए ईडी ने दूसरी दफे जो है सम्मन जारी किया है, रिया के पिता जो इंद्रजीत हैं उनको सम्मन भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया है, और साथ में बैंक लॉकर की चाबी भी साथ में मंगवाई है। इसके अलावा कुछ दस्तावेज के साथ इंद्रजीत को कहा गया है कि आप ईडी दफ्तर जो मुंबई में है वो वहां आप पहुंचिए। तो निश्चित तौर पर ईडी की ओर से जो है ये दूसरी दफा कार्रवाई हुई है, कि इससे पहले भी सम्मन जारी किया गया था ईडी की ओर से, लेकिन ये दूसरी दफा है कि ईडी जो है ईडी की भी ये जांच लगातार जारी है, और रिया के पिता इंद्रजीत को दोबारा सम्मन भेजा गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो ईडी वो अपार्टमेंट है, प्राइम रोज अपार्टमेंट, अब से करीब आधे घंटे पहले ये आप देख सकते। जी सुमिता बताइए। देखिए अब से थोड़ी देर पहले करीब आधे घंटे पहले सोभित चक्रवर्ती अपने काले इनोवा गाड़ी से आता है अपने ड्राइवर के साथ, और ये जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं चारों बगल से रास्ता है, ये चारों बगल से घूमता है और फिर तुरंत वापस लौट जाती है उसकी गाड़ी, गाड़ी रुकती भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अभी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार सोभित चक्रवर्ती किस लिए यहाँ आया था, क्या सीबीआई के ऑफिसर्स ने उसे भेजा था कुछ अहम दस्तावेज लाने के लिए, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। तो वापस सोभित चक्रवर्ती अपने घर से लौट चुका है, वो आखिरकार कहाँ गया है,
जो जानकारी मिल रही है कि फिर वापस सीबीआई डीआरडीओ जो जहां सीबीआई की पूछताछ चल रही है वहां वो गया होगा। तो फिलहाल अभी सुमित मैं एक बार फिर से ये पूरी तस्वीरें जो इस वक्त चल रही है वो दर्शकों को समझा दूं। मैं लौटूंगी आपके पास, ये जो तस्वीरें मैं दर्शकों को एक बार फिर से समझा दूं। देखिए सुमित मेरे सहयोगी रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है, जिन्होंने आपको वहां की अभी लाइव तस्वीरें दिखाई और ये तस्वीरें आप कुछ वक्त पहले की देख रहे हैं। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर शौविक चक्रवर्ती के साथ पूछताछ चल रही थी, वहां से उसकी गाड़ी निकली और निकल करके यहां जहां रिया चक्रवर्ती अपने घर में अपने पिता के साथ मौजूद है, यहां पर ये देखिए काली इनोवा गाड़ी में शौविक चक्रवर्ती आता है, ड्राइवर उनकी गाड़ी चला रहा है और पीछे शौविक चक्रवर्ती सफेद रंग की शर्ट पहने बैठा हुआ है। ये पूरा गोल चक्कर एक उसने लगाया अपनी सोसाइटी के बाहर का, बीच में जो पार्क बना हुआ है, और वो पूरा घूमा और वहां से निकल गया। ये सुमित मेरे सहयोगी बता रहे हैं। तो शौविक चक्रवर्ती यहां आया और रुका नहीं, अंदर नहीं घुसा, वापस यहां से चला गया। इसके पीछे की वजह जो है वो तो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अहम खबर और एक ये अहम तस्वीर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं हम। सुमित लौटूंगे मैं दोबारा आपके पास, लेकिन देखिये ये पूरा रिया चक्रवर्ती उसके परिवार और जो बातचीत है वो आप तक तस्वीरें हमने पहुंचाई। एक और अहम खबर इस वक्त की आप जान लीजिए, सुशांत सिंह के पिता का बड़ा आरोप, रिया ने मेरे बेटे की हत्या की है। के सिंह की तरफ से यह आरोप लगाया गया है, सुशांत को लंबे वक्त से जहर दे रही थी रिया, ये अहम खबर। देखिए अभी तक सीधा आरोप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से हत्या का नहीं लगाया गया था, लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने सीधा आरोप लगाया है कि रिया ने ही की है हत्या मेरे बेटे की। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। तो आपने के सिंह ने जो बात कही वो सुना, साफ तौर पर पिता ये कह रहे हैं कि बेटे की हत्या की गई है। इसके अलावा ये भी के सिंह ने कहा कि बहुत लंबे वक्त से जहर दे रही थी रिया सुशांत चक्रवर्ती को और अब गिरफ्तारी होनी चाहिए रिया चक्रवर्ती की। और इसी के साथ ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं, लौटेंगे तुरंत, बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।